बॉय सिटेशिया यानी अ ग्रुप ऑफ मरीन मैमल्स, मरीन मैमल्स का एक ग्रुप। मैमल्स हम इंसान भी हैं, वेल्स भी हैं, सील्स भी हैं, क्योंकि हमें कुछ ऐसी कॉमन चीज़ें हैं जो हमें मैमल्स बनाती हैं। फिशेस मैमल्स नहीं हैं, लेकिन वेल्स मैमल्स हैं। यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं मैमल्स की। नंबर वन, मैमल्स अपने बच्चों को जन्म देती हैं, ना कि अंडे देती हैं। नंबर टू, वो अपने बच्चों को अपना ही दूध पिलाकर बड़ा करती हैं, उसी से उनका पेट भरती हैं। समवॉट सिमिलर टू ह्यूमंस। सिटेशिया ऑर्डर में 89 लिविंग स्पीशीज़ हैं अभी भी जो पृथ्वी पर हैं, जिनमें वेल्स, डॉल्फिन्स और पोर्पोइज़ आती हैं। ये जो पिक्चर से भी डिस्प्ले हो रही है, उनमें सबसे आगे स्पर्म वेल, फिर किलर वेल, फिर ब्लू वेल, उसके बाद एक बलीन वेल है। सिटेशिया में अभी भी दो कैटेगरीज होती हैं मैमल्स की। नंबर वन, ओडोंटोसिटी यानी जिनके पास दांत है, और मिस्टेसिटी जिनके पास दांत नहीं है। ओडोंटोसिटी में आती हैं डॉल्फिन्स, पोर्पोइज़, स्पर्म वेल्स, बलूगा वेल्स, और मिस्टेसिटी यानी बलीन जिनके पास टीथ नहीं होते, बलीन प्लेट्स होती हैं, उनमें आती हैं ब्लू वेल्स, हम्पबैक वेल्स, राइट वेल्स एंड ग्रे वेल्स। बलीन वेल्स टूथ वेल्स से ज़रा बड़ी होती हैं। क्यों होती हैं, इसके ऊपर मैं अलग सेपरेट वीडियो बनाऊँगा। अभी हम लोग बात करेंगे 5 लेसर नोन फैक्ट्स अबाउट सिटेशियंस। फैक्ट नंबर 5, टूथ्ड वेल्स जैसे स्पर्म वेल्स और किलर वेल्स बड़ी शार्क्स तक को मार सकती हैं, जैसे ग्रेट वाइट शार्क्स और वेल शार्क्स। और स्पर्म वेल्स का तो फेवरेट खाना ही होता है जाइंट स्क्विड्स, जो कि करीब 45 to 55 feet की हो सकती हैं। स्पर्म वेल्स से बड़ी होती हैं जाइंट स्क्विड्स, लेकिन तब भी स्पर्म वेल्स उनको खा लेते हैं। स्पर्म वेल्स इनके प्रेडेटर्स हैं। और ओरकाज यानी किलर वेल्स शार्क से बड़ी ही होती हैं। फैक्ट नंबर 4, बड़ी बलीन वेल्स जैसे ब्लू वेल्स और हम्प बैक वेल्स, जो कि करीब 200 टन की हो सकती हैं और 80 फीट तक बड़ी हो सकती हैं, समुद्र में रहने वाले कुछ सबसे छोटे क्रिएचर्स में से एक को खाती हैं, क्रिल्स को, जो कि उनके सामने असल में कुछ नहीं है। फैक्ट नंबर 3, डॉल्फिन्स और ज़्यादातर वेल्स पानी के अंदर अपनी सांस को 20 मिनट तक होल्ड कर सकती हैं, जहाँ की स्पर्म वेल्स जो कि इकलौती ऐसी मैमल है जो कि सांस पानी के अंदर 90 मिनट्स तक होल्ड कर सकती है। ह्यूमंस के लिए तो असल में 90 सेकेंड्स भी एक इम्पॉसिबल टारगेट हो सकता है। फैक्ट नंबर 2, ये फैक्ट भी स्पर्म वेल्स से रिलेटेड है। स्पर्म वेल्स 230 डेसिबल्स तक का साउंड प्रोड्यूस कर सकती हैं पानी के अंदर, जबकि हमारे इंसानी कान सिर्फ 150 डेसिबल्स के साउंड में ही बर्स्ट हो जाएंगे। फैक्ट नंबर 1, सिटेशियंस के सबसे क्लोजेस्ट रिलेटिव्स कौन हो सकते हैं, जो कि हमारे यहाँ ज़मीन पर रहते होंगे, जो स्क्रीन पर लिखा है वो सच है। हिप्पोपोटामस, काउस और पिग्स इत्यादि सिटेशियंस के सबसे क्लोजेस्ट रिलेटिव्स हैं, जो कि ज़मीन पर चलते हैं। मेरी साइंस से रिलेटेड पहली वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लगे।